मेरी पहली बीवी जो थी ना साजिद भाई, वो मुल्तान की थी। और मुल्तान में जून का महीना था, और जून के महीने में मुल्तान में इतना गर्मी होती है कि वहाँ बर्फ को भी पेट निकल के आ जाए। क्यों अमजद गोलानी साहब? मेरी बीवी बड़े वाले तवे पे रोटियां लगा रही है, पसीना टप टप टपक रहा है, मुझे तरस आ गया। मैंने कहा आई लव यू जानू, कैसी है ऐसे नहीं, गरम तवे पे बैठ के रोटी खा के दिखाओ। मैं भी जज्बात में आ गया, तवे पे बैठ गया। फिर मैं कहीं महफिल में उठने बैठने के काबिल नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्माइल विद यूनुस जी में यूनुस बोलानी हाजिर खिदमत है आपके लिए मुस्कुराहटों का सफर लेकर। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं जिला मानसहरा तहसील बालाकोट से साजिद मुगल साहब, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? भाई नहीं, मैं कह रहा था कि कैसे लग रहे हो भाई? अच्छे लग रहे हैं। नाज़रीन शो का बाकायदा आगाज करते हैं। मुझसे एक मेरे फैन ने पूछा था कि शादी क्यों नहीं करते हो, तो मैंने कहा तीन तीन थी। कहते फिर, मैंने कहा तीनों छोड़ के चली गई बंदूक मारिया। तो सवालात का सिलसिला चलता रहा, उसने कहा क्यों छोड़ के चली गई? मेरी पहली बीवी जो थी ना साजिद भाई, वो मुल्तान की थी। मुल्तान में जून का महीना था, और जून के महीने में मुल्तान में इतना गर्मी होती है कि वहाँ बर्फ को भी पेट निकल के आ जाए। मेरी बीवी बड़े वाले तवे पे रोटियां लगा रही है, पसीना टप टप टपक रहा है, तो मुझे तरस आ गया। मैंने कहा आई लव यू जानू, कहती है ऐसे नहीं, गरम तवे पे बैठ के रोटी खा के दिखाओ। मैं भी जज्बात में आ गया, तवे पे बैठ गया। फिर मैं कहीं महफिल में उठने बैठने के काबिल नहीं रहा, उसको छोड़ दिया। दूसरी वाली बीवी उससे भी बड़ी पागल, वो कहती है नेजे पे बैठ के रोटी खा के दिखाओ। मैं समझ गया भाई, ये मुझे अकेले देखना नहीं चाहती, ये मेरे दो करना चाहती है। इससे पहले कि मैं दो हो जाऊँ, मैं सिंगल हो गया। और तीसरी वाली बीवी वो तो उससे भी बड़ी पागल भाई, अमजद बुलानी साहब वो सांप लेके आ गई, काले वाला सांप, यूं ही कर रहा है। कहती है सांप की पप्पी लेके दिखाओ। मैंने कहा क्यों? कहती है मैंने सहेली से शर्त लगाई है कि इसमें जहर है उस, और वो कहती है कि नहीं है, आप पप्पी लो पता चल जाएगा। मैंने कहा मैं मर भी सकता हूँ। कहती है कोई मसला नहीं, मैं 10 रुपए तो जीत गई, 10 रुपए में शोर निकाल रही थी, उसको भी छोड़ दिया। अभी एक और शादी खड़काने के चक्कर में हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ स्टूडियो का आखिरी दिन है, और लाइव हमें साजिद भाई ने भी ज्वाइन किया, हमें बहुत खुशी हुई। नाजरीन आपको हम पंजाब जिला रहीमियर खान राजनपुर और मुल्तान से लाइव अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हम कराची के स्टूडियो को वाइंड अप कर रहे हैं। साजिद बोलानी वहाँ पे हमारे साथ एक और दोस्त हैं जो इन साजिद मुगल साहब के भी दोस्त बन जाएंगे इंशाल्लाह, वो मेरे पार्टनर होंगे वहाँ पे, और एक और साहब हैं जो स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया करेंगे ओपन माइंड कैफे में। तो आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हम मुस्कुराहटों का सफ़र बखेरते रहेंगे। यूनुस बोलानी को इजाज़त दीजिए। फेमानिला पाकिस्तान हमेशा।